आने का काम, उसको फेरने का काम, जो सबसे छोटा था वो आग भी धड़के लावे और उसको घुमावे भी सब की तरफ। ये परंपरा हमारी संस्कृति में है और इसलिए दुनिया के देशों ने इकट्ठे होके इस परंपरा को, भारतीय परंपरा को देखते हुए बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए 1 अक्टूबर को ये विश्व वरद दिवस, वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने का प्रोग्राम किया। और इसमें आपके गांव के जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, दोनों पंचायतें हैं, कमेटी है और दूसरे जो साथ लगे हुए हैं युवा यहाँ के मिर्जापुर के, उनकी सकारात्मक सोच के कारण आपने देखा होगा हर साल प्रोग्राम हुए हैं, उनमें आप लोगों ने बड़ा सहयोग दिया है, चंदा भी दिया है, कार्यक्रम को देखने का और सुनने का भी सहयोग दिया है। आप सभी लोग और इस गांव के लोग बधाई के पात्र हैं। कई बार ये नहीं होता कि भाई हमने पैसे दिए इसलिए सहयोग है, पैसे वाला पैसे का सहयोग करता है और कोई प्रबंध करता है, कोई कार्य करता है, लेकिन कई बार ये सारा काम भी ना करे तो बैठ के सुनते भी हैं, ये भी सहयोग है। आप सभी ना होंगे तो बोलने वाला, कार्यक्रम करने वाला क्या करेगा? तो इसके लिए कोई गांव में आए उसकी बात को अच्छी तरह सुने, ये गांव के लिए मान सम्मान की बात है, एक संदेश जाता है। कोई उस गांव में जाएगा तो बताएगा बाहर जाके हम मिर्जापुर गांव में गए थे, और आपने देखा भी होगा आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्नल, ब्रिगेडियर इस मिर्जापुर की भूमि पर आए और अच्छा संदेश लेके गए आप लोगों का। भाई उस गांव वालों ने, मिर्जापुर वालों ने हमारा भी मान सम्मान किया, बाहर से आने वालों का भी मान सम्मान किया, देश के जवानों का भी मान सम्मान किया और उन शहीदों का भी मान सम्मान किया जिन्होंने देश के लिए अपनी बाजी लगाई थी। और अब मैं जो हमारे चेयरमैन हैं, एक्स चेयरमैन श्री सतबीर जी का स्वागत करता हूं। उनके साथ पहुंचे हैं श्री रामफल जी कालीरवन, उनका भी स्वागत है। और हमने बताया था कि साथ साथ में खेल, एक्स सर्विसमैन सभी हैं। रघुवीर चेयरमैन जी, आपका भी विद्यालय में पहुंचने पर स्वागत है। सूरजकरण जी कालीरवन वैसे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं लेकिन पहुंचे लेट हैं, उम्र भी कई बार लेट कर देती है। अच्छा नाम रहा है सूरजकरण जीओं का, आपका भी स्वागत है। सुरेश बुरा जी अच्छे खिलाड़ी हैं, इशार से आप पहुंचे हैं, आपका भी मिर्जापुर में पहुंचने पर स्वागत है। हमारे जितने भी एक्स सरपंच हैं, और जो एक्स सरपंच हैं प्रकाश कालीरमण, सुभाष जी हैं, बंसी जी, सुबे सिंह बुढ़ा, श्री मनपुल सिंह जी, श्री हवा सिंह यादव एक्स सरपंच हैं, आपका भी इस विद्यालय में स्वागत है। और आप लोग ये यहाँ की पंचायत ने और सोसाइटी ने जो शहीद लेफ्टिनेंट हवा सिंह वीर चक्र प्राप्त वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने आपको याद किया है, सभी को एक उस गरिमा को बनाए रखा है जो
आप शायद खुद ही भूल गए होंगे कि हम भी कभी इस गांव के सरपंच रहे। उन्होंने आपको याद किया है, आपको एहसास दिलाया है आपके उन पुराने दिनों का जब आप सरपंच थे। आपको अपने कार्य, अपनी उपलब्धियां, ये सारे जानकर गर्व महसूस होगा। और अब मैं हमारे जो चेयरमैन है रामफल काली रमन जी, सतबीर बुरा जी, रघुवीर जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आगे स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। रामफल जी, सतबीर जी और रघुवीर जी, और इनके अलावा मैं श्री रमेश जिला पार्षद का भी स्वागत करता हूँ यहाँ पहुंचने पर, और श्री शक्ति सिंह जी जो सेना मेडल से अलंकृत हैं यहाँ पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत है। राजवीर सिंह जी, श्री कृष्ण बुरा जी, बुजुर्ग को सम्मानित करते हुए और बुजुर्ग की उम्र को देख के इन्होंने आने का काफी प्रयास किया, लेकिन जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, वो आगे आती है कई बार। इनका धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए, हमारे जो बुजुर्ग कष्ट किया है उनका शुक्रिया, और ये मान सम्मान ग्रहण किया उसके लिए भी इनका शुक्रिया है। और आप सभी बुजुर्गों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, चाय और लड्डू का प्रसाद है। और जो ये सोसाइटी की जो कमेटी थी, उन्होंने ये बताया कि जो बुजुर्गों को प्रसाद, वही मुख्य अतिथि महोदय को प्रसाद, बरोबर उनके मान सम्मान का ध्यान रखा गया। वही अलग से कोई व्यवस्था नहीं होगी, वही मिठाई, वही जलपान बुजुर्गों को भी अपने स्थान पर पहुंचा दिया गया है। वो कार्यकर्ता आपकी सेवा में है, बड़ी अच्छी सोच है, अच्छा प्रयास है। इसी तरह देखोगे एक एक कार्य में पवित्रता देखने को मिलेगी, एक एक कार्य में पारदर्शिता, और आपके गांव के लिए एक शान का काम करेगा ये सारा कार्य। विशिष्ट अतिथि है वो पहुंचने वाले हैं, चल पड़े हैं, और आप सभी भी अपना स्थान ग्रहण कर लें और ये स्मरण रहे आज का जो प्रोग्राम है, वृद्ध सम्मान समारोह है। जो बुजुर्ग 70 साल से ऊपर है उनको सम्मानित किया जाएगा। वो जहां बैठे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय, वहीं पहुंचकर उनको सम्मानित करेंगे। उसमें वैसे हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिक के लिए जो कार्ड बनाए हैं उसमें उम्र रखी है हम 60 की, लेकिन जब बुजुर्गों के मान सम्मान की बात आई, उनको एक संभालने की बात आई, उनको एक इज्जत देने की बात आई, तो समिति ने 70 साल की उम्र से जो बड़े हैं बुजुर्ग हमारे गांव के, उनको सम्मानित करने का विचार किया। उसी से संबंधित ये आज का कार्यक्रम है, और साथ में दूसरे दो प्रसिद्धि प्राप्त या जिन्होंने गांव के लिए बड़ा योगदान दिया है, देश के लिए अपना समय दिया, पैसा भी लगाया, और उन लोगों को भी सम्मानित करने का, उनको मान सम्मान देने का एक प्रयास किया है। हाँ जी, सतबीर जी चेयरमैन, एक्स चेयरमैन रामफल जी, रघुवीर जी, आओ अपना स्थान ग्रहण करें स्टेज पर। और श्री शक्ति सिंह जी सेना मेडल से जो अलंकृत हैं, आप भी स्टेज पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, वो पहुंचने वाले हैं।
और उसके बाद ये आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। उनमें हर प्रोग्राम में श्री राकेश बंसल जी शामिल हुए और समय पर पहुंचने की बड़ी इनके जो निष्ठा है वो बनाए रखी है। बहुत सारे प्रोग्रामों में समय पर पहुंचने का इन्होंने कष्ट किया है। इनका गांव की तरफ से हम सब मिलकर स्वागत करते हैं और अपने मुख्य अध्यापक श्री दिलबाग सिंह जी चौरान ने भी बताया, भाई विद्यालय की तरफ से भी इनका स्वागत है। इसका भी कोई कारण होगा, यहाँ के मुख्य अध्यापक श्री दिलबाग सिंह ने जो ये बात कही इसका कोई कारण है। इसलिए स्कूल की तरफ से इन्होंने कहा, क्योंकि जो ये सोलर पैनल लगा हुआ है ऊपर छत पर लड़कियों के लिए, ये श्री राकेश बंसल जी की देन है। इस स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल में भी करीब 25 लाख रुपए का अनुदान इन्होंने दिया है और गांव की दोनों पंचायत और ये विद्यालय परिवार और शहीद लेफ्टिनेंट हवा सिंह वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने श्री राकेश बंसल जी को एक अपने गांव का नुमाइंदा माना। उनको हर प्रोग्राम में इसलिए शामिल किया, वे हम उनको गांव में जमीन तो है ही, गांव के नुमाइंदे भी हैं, इसलिए गांव के साथ हैं सुख दुख में। वैसे तो आपकी जो सोसाइटी है, आपके गांव के लोग हैं, दोनों पंचायतें हैं, आपकी अच्छी सोच के कारण जो गांव से जुड़ के आदमी वो जुड़े हुए हैं और राकेश बंसल जी के अलावा और भी माननीय हैं जो इस विद्यालय से इस गांव से जुड़े हुए हैं। गांव के लोग बहुत अच्छा लगा जिनसे भी जुड़े, और जो आज हमारे मुख्य अतिथि है कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी, वो भी 3-4 बार गांव में आए हैं, जिससे आप लोग गांव मिर्जापुर के लोग जुड़ जाते हैं और वो एक अपनेपन का रेखा आप लोगों ने बनाया है। इसलिए राकेश बंसल जी भी हर प्रोग्राम में आपको देखने को मिले और हमारे जैसे भी लोग आपके हर प्रोग्राम में हमारी भी उपस्थिति दर्ज होती है। ये हम आप सभी का ही तो एक अपनापन है, सबका ही तो सहयोग है। हम तो या आप सभी एक मनुष्य विकसित प्राणियों में माना जाता है। यदि बात करें हम हमारे पालतू जानवरों की, यदि कुत्ता बिल्ली की या किसी पक्षी की या भैंस की गाय की, आपने देखा होगा जहां उसको मान सम्मान मिलता है वो पशु पक्षी भी वहां पहुंच जाता है। और मनुष्य तो बुद्धिजीवी है, विकसित बुद्धि है मनुष्य की, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य को माना गया है और उसको जहां मान सम्मान मिलता है इसलिए वो भी वहां पहुंच जाते हैं। मान सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं है। आज का जो प्रोग्राम है इसमें मान सम्मान की बात है, कोई लेने देने की बात नहीं है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो आज का दिवस है इसी से संबंधित हमारे श्री रण सिंह जी ने अपने विचार रखना चाहेंगे। हम बात बुजुर्गों की कर रहे थे और बुजुर्ग हैं, अपनी 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे श्री रण सिंह। वो भाषण बाजी जो भाई साहब ने कोई भी बाकी थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी बात बताई और भूटिया की बहुत बड़ी लाटरी अपने आपसे भगवान का नाम जो सब बड़ी लाटरी निकली है। भूटिया बहुत से खुशी का दिन अपने मैं सब करिए राम राम।
अपने बुजुर्ग रण सिंह जी ने जो बात रखी श्री रण सिंह जी की बात आपने सुनी, अपने बुजुर्ग पे कई बार रहा नहीं जाता, जो बात कहनी है कहे बिना मन में खुशी थी उन्होंने रखी। बड़ी खुशी है हमारे को कि आज हमारे को याद किया। वैसे तो राम के लिए अपने महिलाएं माताएं कहती थी कि हे भगवान, ऐसा दिन जिस दिन राम के दर्शन ना हो वो दिन नहीं माना जाता। और बुजुर्गों के लिए भी ये कहते थे कि ऐसा कोई दिन हमारे जीवन में वो दिन नहीं है जिस दिन बुजुर्गों के दर्शन ना हो। इसलिए रण सिंह जी ने अपनी बात रखी, एक मिनट में ही मन में खुशी थी। इस पूछ का बड़ा चक्कर है, रूस जाते हैं पूछ नहीं, लेकिन कितनक पूछ जाते हैं हमारे बुजुर्ग, हमने देखा है। जब खाना खावे साथ बैठ के खाना खा लिया, हम ड्यूटी से आए घर, पूछ लिया पिताजी पापा या बापू खाना कुना खा लिया, बोले हाँ भाई खा लिया, इतने में खुश है। इतनी पूछ की आवश्यकता है, बस इससे ज्यादा नहीं है। जब हमारा बुजुर्ग घर में बैठा है और हम सीधे निकल जाए अपने बच्चों को संभाले और बुजुर्ग से ना बोले, तो उसी में वो अपने आप को अनसुना मान लेते हैं, वे हमारे को पूछते नहीं। पूछ का इतना ही है बस। यदि हम सरकारी ड्यूटी पे हैं, घर पहुंचे तो एक बार घर के अंदर जाने से पिताजी को पूछ ले, ठीक है पिताजी ठीक है खाना खा लिया, खा हमने कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना पूछ लिया, यही पूछ है। और कई बार देखा गया है, वहां से दो टीचर आए हुए थे और हम खाना खा रहे थे, खाना लगाया था, खाना शुरू नहीं किया था, एक साइड में पिताजी बैठे, एक साइड में मैं, एक बच्चा भी बैठा था, खाना खाने लग रहे थे। उन्होंने देख के ये कहा कि बहुत अच्छा लगा, मां क्या अच्छा लगा, बोला साथ खाना खा रहे हो, मां बस खाना तो वही होता है जो पिताजी खावे जो हम खाएं, बस मेज पर रख दिया और वो इकट्ठा खा लिया, इसे में उनकी संतुष्टि और भोजन की पूर्ति होगी और मान लिया हमारी पूछ हो। खाना वही है, कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन जब साथ में बैठ के खाया जाता है तो वो सोच लेता है ये मेरा बेटा है, देख कितना ख्याल रखता, हमने किया कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही किया है, खाना तो वही देना था उनको, वीर वही खुद खाना था, लेकिन बैठ के खा लिया और पूछ लिया, यही बहुत बड़ी बात। और इसलिए पूरी दुनिया में जो कल वृद्ध दिवस मनाया गया पूरे विश्व, उसमें भी एक रिपोर्ट जारी हुई संयुक्त राष्ट्र संघ से कि दुनिया में आज हमारे बुजुर्गों की उदासी बढ़ती जा रही है, उदासी क्योंकि काम धंधे ऐसे हो गए, हम काम धंधे में परिवार में बिजी हैं, व्यस्त हैं, हमें टाइम नहीं है बुजुर्ग से बात करने का, भूल जाते हैं। और बताया था देना लेना कुछ नहीं है, वही खाना है, वही बैठना है, वही सोना है, कोई अलग से कोई चीज नहीं है, सिर्फ वो बैठना ही, उसकी सारी उम्र की का वो संतोष है। मैंने मेरी औलाद को अच्छे संस्कार दिए। कई बार हो, यदि शादी की बात आए, जब रिश्ते की बात चलती है, हर माँ बाप ये चाहता है मेरे लड़के की जो पत्नी है बहू है वो संस्कारवान हो,
संस्कारों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। बहुत सारे लोग कहते सुने होंगे कि हमने कुछ नहीं चाहिए दहेज में, संस्कारवान बच्चा चाहिए। लेकिन ये भी सोचना होगा ना, संस्कारों में क्या होता है। इंग्लिश में नमस्ते गुड मॉर्निंग कर दिया, कई बार इसी को संस्कार मान लिया जाता है। नमस्ते ठीक है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, बाहर से बच्चा हो दादा दादी को नमस्ते कर दिए अच्छा लगेगा, संस्कार की बात मान लेंगे। लेकिन उसके बाद भी संस्कारों की बातें और भी, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, वैसे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं जो हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जन्म से मृत्यु तक के। और जब मृत्यु होती है, एक संस्कार है उसका नाम अंतिम संस्कार होते हैं, दाह संस्कार भी कह देते हैं, अंतिम संस्कार भी बोल देते हैं। अंतिम संस्कार उसका नाम इसलिए पड़ा कि इसके बाद कोई संस्कार बचता ही नहीं, इसलिए ये अंतिम संस्कार। लेकिन हर संस्कार को हमने पूरा करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा विवाह संस्कार भी होता है, क्योंकि ये बात चल पड़ी संस्कारों की, संस्कारवान बहु लाने की, इसलिए संस्कारों पे कुछ समय ले लेते हैं। और संस्कार जरूरी भी है, संस्कारों के बिना कुछ भी नहीं है। अकेलेपन के शिकार है संस्कारों के बिना हमारे बुजुर्ग, उस अकेलेपन को दूर करने के लिए भी संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप सभी ने देखा होगा शादी में विवाह संस्कार करवाया जाता है। विवाह संस्कार में कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं और कह दिया जाता है पंडित जी कोई नहीं 200-400 रुपए और ले लेना, जल्दी जल्दी निपटा देना, जल्दी के चक्कर में रहते हैं और विवाह संस्कार की पूर्ण प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते। अधूरे संस्कारों से फिर संस्कारवान वहां संस्कारों की आवश्यकता तत्पर। इसलिए बुजुर्गों, गांव के मौजूद व्यक्तियों, हमने आप सभी ने इन बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए थोड़ा सा बस समय दे देना है। पैसे की जरूरत नहीं होती और ना ही पैसे से शांति मिलती। हर परिश्रम में सफलता पा लेना सफलता कहलाई जा सकती, लेकिन उस कार्य के बाद यदि शांति मिले तब वो कारगर होती है सफलता। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने पूरे जीवन में पूरा सभी ने 100% नहीं तो 98% लोगों ने बड़ी मेहनत से कार्य किया, खूब कमाया है अपने बच्चों के लिए, जैसा भी समय था, खेत का काम था चाहे घर का था, जैसे संसाधन थे उस समय, ट्रैक्टर का साधन नहीं था, दूसरे संसाधन थे, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके काम किया। लेकिन कई बार हमने मान लो नौकरी मिल गई, हम क्या कहते हैं, बाबू तन्ने कुछ नहीं कर सारी उम्र, वो इस चीज को मन दे नहीं, बोला कुछ नहीं कर रहन दे। लेकिन वो भूल जाता है तेरे लिए तो बहुत कुछ किया। हो सकता है समाज के लिए ना कर पाए हो, हो सकता है देश के लिए ना कर पाए हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो सभी करते 99%। तो उसमें बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करता, बोला भाई देखो सारी उम्र शरीर काला कर दिया, फसल के समय कपड़ा खरीदा जाता था 6 महीने के लिए, धोने का भी समय नहीं था, वो कपड़ा कमीज फट गया बस अगले सीजन में फिर सिलेगा, ऐसा कमाया था अपने शरीर से इन बुजुर्गों ने। तभी तो कहते हैं भाई हमारी धरती भारत की धरती सोना उगलती, इन बुजुर्गों ने जब मेहनत की तभी सोना उगला, ये हमने नहीं भूलना चाहिए।
सोना वैसे नहीं निकलता, मेहनत की अच्छी फसल हुई और अच्छे भाव मिल गए, अच्छा पैसा आ गया, उसको भी सोना कहते। ऐसे नहीं है भाई खो देने से मिल गया। तो इन बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की, ठीक है, उस वक्त ऐसा ही समय था, आज टेक्नोलॉजी का समय है। खेत में डोड़ देने के लिए भी मशीन है, गोड़ी की भी व्यवस्था कंप्यूटराइज है, फसल निकालने की भी काटने की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इस व्यवस्था से अलग आपने कहते हुए सुने। क्रम के मुख्य अतिथि महोदय कैप्टन भूपिंदर सिंह जी, अध्यक्ष बीजेपी जिला हिसार, मुख्य अतिथि महोदय आपका स्वागत है। सबको राम राम जी। फोन नहीं खाया, मुख्य अतिथि महोदय कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष बीजेपी, आपका हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे गांव की जो पंचायत है, सभी की ओर से आपका स्वागत है। और आपने जब गेट में प्रवेश किया, उस द्वार के ऊपर लिखा हुआ था, आपको अवगत भी है, शहीद लेफ्टिनेंट हवा सिंह वीर चक्र प्राप्त गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल मिर्जापुर। वो देख के आपको प्रसन्नता बहुत हुई होगी, क्योंकि आप भी सेना में रहे और वीर चक्र प्राप्त किया। ये वीर चक्र आपको तो पता ही है, जिले में कितने लोगों के पास होता है, कितने लोगों के पास है, कितना बड़ा महत्व है, और आपने भी उस मेडल को प्राप्त किया, इसलिए आपको गर्व प्राप्त हुआ। और आप पहले भी दो तीन प्रोग्राम में आते रहे इस गांव में, स्टेडियम के उद्घाटन की बात की या मूर्ति स्थापना की, और जब आप पीछे आए थे तो स्टेज के ऊपर कम से कम 40 ब्रिगेडियर और कर्नल रिटायर्ड बैठे थे, तब भी एक अलग सा एहसास हुआ होगा। और फिर इस गांव के लोगों को तो मैं धन्य मानता हूं, जब आप 3-4 बार पहुंच चुके हो इस गांव के कार्यक्रम में, तो गांव आपसे जुड़ा, गांव आपका मान सम्मान करता है, और ये गांव के लोग तो बड़े भले हैं, आपसे ही नहीं हमारे देशों से भी जुड़े हुए, हम जैसे भी इस गांव से जुड़े हुए। श्री राकेश बंसल जी विशिष्ट अतिथि हैं, वो भी इस गांव का नुमाइंदा माना गया, उनको भी वो समाज से ही रहे हैं, गांव में कोई बात की किसी चीज की पैसे की जरूरत है तो हमारी दोनों पंचायत और ये सोसाइटी उनके पास पहुंच जाती और वो तैयार रहते हैं, वो भी इसी तरह आपकी तरह गांव से जुड़े हुए। और ये जुड़ाव जब अच्छी सोच तो बढ़ता रहता। आज का जो कार्यक्रम है आप सभी ने सुना होगा, मदर डे, माता दिवस, फादर डे, पर्यावरण दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बहुत सारे दिवस हैं। इसी तरह
संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 1990 में विश्व वृद्ध दिवस का प्रस्ताव पास किया। उसके बाद हर साल 1 अक्टूबर को विश्व वृद्ध दिवस मनाया जाने लगा। फिर गांव के लोगों ने विचार किया, क्यों न हमारे बुजुर्गों को भी सम्मानित किया जाए, क्यों न उनको भी संभाल लिया जाए। जब सभी के दिवस हैं और बुजुर्गों का भी दिवस है और हमारे गांव में मनाया जाए, उसमें आपकी सहभागिता बड़ी अच्छी बात है। और वैसे भी भारत में 65 साल से ऊपर 15 करोड़ लोग हैं आप जैसे। उसके बाद पिछली 2015 के अनुसार के आंकड़े हैं, अब और ज्यादा हो गए होंगे। तो इस तरह बुजुर्गों का पूरा लेखा जोखा भारत सरकार के पास भी है और ये प्रोग्राम करवाने का इसके साथ साथ बहुत सारा उद्देश्य है। गांधी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जियों की भी जयंती है। उन्होंने भी संदेश दिया, लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता के प्रतीक थे और गांधी जी के क्या विचार थे, उन्होंने कहा था कि हमने ऐसा कार्य करना चाहिए गरीब से गरीब आदमी का भी भला हो सके, ऐसा कार्य करें। इसलिए इस गांव की पंचायत दोनों और ये सोसाइटी वेलफेयर समिति है, इन्होंने ये कार्य करने का भी विचार किया। इसके अलावा पीछे जो बच्चे होशियार थे जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए थे उनको भी सम्मानित किया, जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई थे उनको भी सम्मानित किया, जो शहीद हुए थे उनकी विधवाओं को भी सम्मानित किया स्टेडियम की उस सटेज के माध्यम से। इसके अलावा और भी बहुत सारे कल्याण के कार्य किए और जिस प्रांगण में हम बैठे हैं आप सभी का योगदान है। उपलाना से एसएससी के मेंबर थे, उन्होंने हाथ साफ करने के लिए पानी की व्यवस्था के लिए वो सटेज की व्यवस्था उन लोगों ने की थी। हम सबके मिलके ऐसे विकास होता है। आप सब उनको भी देख सकते हो कि इसमें प्रांगण में इसको भी संभाला हुआ है। जब ये स्कूल संभला है चारों तरफ से देख के मेरा राकेश बंसल जी ने सोलर पैनल लगवा दिए हैं, तो हमारे जो दिलवार सिंह जी मुख्य अध्यापक हैं उन्होंने सोचा गांव सभी भगवान है राम राम हाथ जोड़कर चरण स्पर्श मंचा सिंह कैप्टन साहब और अन्य गणमान्य भावु। मुझे ज्यादा बोलना तो नहीं आता पर मैं गांव वाले कहूं कि मैं नगना ना बुलाया करो, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा भी। कभी मंच पे बुला के बिठा दो तो फिर नरक की नीति ना हो। ऐसा काम कराया करो कि भाई काम जितना को उतना ले लिया करो और पक्ष से दुख मार भी दिया करो कि भाई सही रह जाओ फिर ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैं भी आप जैसा ही एक इंसान हूं, भगवान की कृपा से उसने मुझे आपका जितना भी सहयोग हो पाता है वो करता हूं उसके आशीर्वाद से। मैं ये कहूं कि मैंने बहुत कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, उसने दिया, मैं एक माध्यम हूं उसका, जिसकी वजह से गांव के लिए जो भी मेरे से बन पड़ता है, जब भी सरपंच साहब या वो लोग आए मेरे से जो भी बन पड़ा वो मैं कर रहा हूँ और आगे भी मेरे दरवाजे भगवान जैसे आदेश करेंगे वो हमेशा खुले रहेंगे, मैं इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश बंसल जी, आपने बात रखी थोड़ी सी और अच्छी थी कि गांव वाले आपको मान सम्मान के साथ बुलाना चाहते हैं और आपके मुंह से शब्द भी सुनना चाहते थे। वक्ता होना कोई जरूरी भी नहीं है लेकिन आपके कार्य
आपके बिना कहे बिना बोले सबको पता है आपने जो सहयोग दिया है। अब मैं रेनू है लड़की रीशु उसको आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर वो आए। रीशु दर्शन अकादमी हिसार अपनी बेटी ये बोलना भी चाहेगी कुछ सबक और सर्वप्रथम मेरी तरफ से यहाँ मौजूद सभी सदस्य गणों को गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं। माननीय महोदय अतिथि गण व मेरे ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। आज मुझे यह सुअवसर प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कुछ बोलूं तो किस बारे में बोलूं। कोई टॉपिक नहीं था, कोई विषय नहीं था, कोई चीज नहीं थी, बस मन में एक इतनी सी आशा थी कि हाँ यहाँ बैठे हैं तो मेरी कुछ बातें सुनेंगे और तभी मैं अपने विचार प्रकट कर पा रही हूँ। जैसे कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है तो मैं एक महत्वपूर्ण विषय को ही उठा कर चलूंगी, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। मैं एक लड़की हूँ तो मैं इस बात में कुछ ज्यादा बोल सकती हूँ और मुझे उम्मीद भी है। लड़कियां किसी से कम नहीं होती, बस अंतर होता है सोच का और विचार का। हमारा समाज आगे तो बढ़ रहा है पर पता नहीं लड़कियों को पूरे उनके हक क्यों नहीं दे पा रहा, जबकि लड़कियां तो लड़कों से आगे हैं और उन्हें चाहिए बस एक साथ, एक उम्मीद। एक बार अगर आप उन्हें कहोगे ना कि बेटा एक बार किताब उठाओ, इसमें जरा पढ़ लो, तुम आगे बढ़ सकती हो, तो आप जानते नहीं उन्हें कितना हौसला मिलेगा, वो आगे बढ़ने की खूब प्रेरणा। वो बस ये सोचते हैं कि मेरा परिवार तो मेरा साथ दे, मुझे दुनिया से करना ही क्या है। तो उसी साथ कि मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे परिवार ने, मेरे गांव ने मेरा बहुत साथ दिया, इतना साथ दिया कि मैं आप सबके सामने जो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बोल पाऊंगी, आज मैं बोल पा रही हूँ। ये गाँव इसकी मिट्टी से मैं जुड़ी हूँ, इसका मैं जो एहसान है मेरे ऊपर वो मैं शायद ही कभी चुका सकूं। बस मैं इतना कहूंगी कि हाँ सबको मौका मिलना चाहिए, लड़कियों को अगर हम शिक्षा दे सकते हैं तो हमें देनी चाहिए, वो कुछ करना चाहे तो हमें उन्हें उनका साथ देना चाहिए। हर बार हम ये नहीं कह सकते बेटा तू रहने दे, ये तेरे भाई का काम है, नहीं, आज तो फौज में ही जाना रहता है, वहां भी पहुंच जाएंगी। कल्पना चावला भी तो एक उदाहरण है, वो कहां कितनी महत्वपूर्ण हस्ती बनी, उन्होंने कितने लोगों की प्रेरणा बनी। तो हम जैसी, मेरे जैसी इस गांव की और भी बेटियां हैं जो और कुछ कर सकती हैं, इस गांव का नाम रोशन कर सकती हैं, बस एक चीज की कमी है, वो है उनका साथ चाहिए। और साथ अगर माँ बाप नहीं देंगे, गाँव वासी ही नहीं देंगे तो देगा कौन फिर। तो हमें चाहिए कि हम लड़कियों का एनरोलमेंट है जो स्कूलों में उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि हाँ ये लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। क्यों हम हर बार ये सोचें कि हाँ भाई हमारा तो वंश आगे लड़का ही बढ़ाएगा, हमें तो सिर्फ लड़के को पढ़ाना चाहिए, वही तो हमारी जरूरत चीजों को पूरा करेगा। नहीं, आज के जमाने में सोच भी बदल रही है, जमाना भी बदल रहा है, शहरों में तो कम हो चुका है ये जो विरोध, जो भेदभाव है, बस गांव में जागरूकता की कमी है जो हम पूरा कर सकते हैं। हम एक साथ मिलकर इस बारे में विचार कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिसकी वजह से लड़कियों को भी अपनी आवाज सब तक पहुंचाने का मौका मिले। और ये हम मतलब कोई छोटी चीज तो नहीं है, इसके बारे में हमने बहुत बार सुन भी लिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ खड़ी हो गई, क्या बोल रही है, पता नहीं क्या मिल गया इसको ये बोलकर, पर ये कोई ये बड़ी बात भी नहीं है कि हम कुछ बोल रहे हैं और आप जरूरी है कि सुनो, पर कुछ ना कुछ तो है हमारे मन में
कि हाँ जो कह रहे हैं उस पर एक बार सोच विचार भी किया जा सके। वैसे लड़कियों का एजुकेशन पहले से ज्यादा अच्छा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको और एक बड़े लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि बस हम उस विषय पर, उस दिशा में कुछ कदम उठाएं कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, कुछ कर नहीं सकती, कुछ ज्यादा ही कर सकती हैं। उनके अंदर भी जज्बा होता है, उसको निखारने का मौका तो दीजिए। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, उसे निखारने का मौका तो दीजिए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए, फिर देखिए लड़कों से कई ज्यादा बेहतर है वो लड़कियां। धन्यवाद। बेटी ने जो बताया वो ठीक है, उसके लिए मैं मुख्य अतिथि महोदय और राकेश मंच सब जी से निवेदन करूंगा कि उनका कार्यालय एक कार्यालय बनवा दिया जाए तो और अच्छा काम करेगी समिति। आपके सहयोग की आवश्यकता है उसमें। और अब मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि महोदय से कि वो आए और अपने संबोधन दें। मुख्य अतिथि महोदय कैप्टन भूपेंद्र जी। कुछ युवा साथी बैठे हैं, मातृ
भी शक्ति तो शरण नहीं है, छोटे बच्चे हैं पीछे और अभी छोटी बहन रिशु, रिशु था ना उसका नाम, जिन्होंने बड़ा अच्छे विचार अपने रखे। अभी मैं बहुत ही सबसे पहले आप सबका, पूरे गांव वासियों का, इस समिति का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमेशा की तरह जितनी बार भी मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को बिल्कुल भी ओपरापन महसूस नहीं हुआ। हमेशा ऐसा लगता है जिस तरह मैं अपने गांव माइड के अंदर वापस आ रहा हूँ। इतना प्यार मिलता है, इतना मान सम्मान मिलता है, गेट पे से फूलों से बिल्कुल नेहरा साहब यहाँ तक लाद दिया था, मेरे को लग रहा था सांस आना बंद हो जाएगा इतनी माला टांग दी। बहुत आदर की बात है मेरे लिए, आप सारे के सारे यहाँ पे बैठे हैं। हम सबको और ध्यान होना चाहिए, आज का दिन जैसा भी बताया यूएनओ ने डिक्लेयर कर रखा है वृद्ध सम्मान दिवस। इसके अलावा आज के दिन की दो तीन और बड़ी महत्वपूर्ण लोगों के जन्मदिन, उनकी जयंतियां हैं। एक तो 2 अक्टूबर को हम सबको मालूम है महात्मा गांधी जी की भी जयंती है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग पिछले एक हफ्ते से अनेकों कार्यक्रम हमारे को रखे थे। इसमें से विशेष एक जोर था कि भाई भारत आत्मनिर्भर बने। मैं अपने जो गांधी जी थे उनका एक कहना था, क्योंकि अंग्रेजों की एक बड़ी चाल थी कि भारत को एक बहुत बड़े बाजार की तरह देखते थे, और यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्री थी, यहाँ के जितने भी कारखाने थे, यहाँ के जितने भी और उद्योग थे, सारों को उन्होंने 250 साल में व्यवस्थित ढंग से नष्ट कर दिया था। और जब मैं इस विषय के ऊपर अध्ययन कर रहा था, जानकारी मिली कि अंग्रेजों के आने से पहले पूरे विश्व का 25% व्यापार हमारे पास होता था, 25% इकोनॉमी के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर भारत का कब्जा होता था। और जब अंग्रेज छोड़ के गए उस समय 1% से भी कम हमारा आधिपत्य रह गया था विश्व की इकोनॉमी पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग से सब कुछ खत्म कर दिया था। यहां से उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, यहां से कपास लेके चले जाते थे इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड में उसका कपड़ा बनवा के वापिस यहां लाके हमारे को दे देते थे। ऐसा थोड़ी था कि भाई अंग्रेजों के आने से पहले हम लोग निर्वस्त्र घूमते थे, परंतु उनका एक चाल थी। आज भी ये बहुत बड़ा एक समस्या है, छद्म रूप से हमारे बीच में विदेशी कंपनियां घूम रही हैं, कमा रही हैं पैसा, और यहीं का पैसा लूट के बाहर ले जाती हैं, और हम सबको ज्ञान भी नहीं है कि हम अनजाने में थोड़े से 2 पैसे के लोभ लालच में आके विदेशी कंपनियों को पैसा दे देते हैं, और उनमें से बहुत सारी विदेशी कंपनियां अपने ही पैसे को, उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ, एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे चीनी कंपनियां हैं, हमको मालूम भी नहीं है कौन सी कंपनी का सामान हम खरीद रहे हैं, वो चीन की है या कहाँ की है, और हम उनसे खरीद लेते हैं, और हमारे ही सेना के खिलाफ, हमारे ही देश के खिलाफ, हमारे ही पैसे से चीन तो मजबूत होता जाता है और हम कमजोर होते जाते हैं। हमारे ही सैनिक बॉर्डर के ऊपर हमारे ही पैसे से मारे जाते हैं और हमको पता भी नहीं होता। तो ये एक जागरूकता अभियान चला रखा था। अभी मैं एक कार्यक्रम में था पार्टी के कार्यालय में सार के अंदर, हम लोगों ने एक स्वदेशी का मेला रखा हुआ था ताकि लोगों के अंदर ये प्रेरणा जाए, ये जागृति आए। इसके साथ ही एक प्रधानमंत्री थे भारत के, जिनके तत्वाधान में 65 की लड़ाई लड़ी थी, बता सकते हो उनका भी जन्मदिन आज, नाम बता सकते हो? लाल बहादुर शास्त्री जी, बिल्कुल ठीक पता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है। तो बहुत विशेष दिन है, बहुत विशेष दिन, देशभक्त थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और
अपने गांव में तो कम से कम देशभक्ति के बारे में कुछ बताना, वो दिए सूरज को दिया दिखाने बराबर हो जाता है। यहाँ जिस सोसाइटी के माध्यम से जिसके तत्वाधान में ये सारा का सारा कार्यक्रम हो रहा है, हम सबको मालूम है उसकी क्या महत्ता है। लेफ्टिनेंट नवाज सिंह देश के लिए शहीद हुए थे। अगर वैसे लोग नहीं हो, सारे कहीं गोलियों के आगे जाने में किसी का मन नहीं करता, सबको डर लगता है। अपने में से मेरे को बता रहे थे कृष्ण भाई, काफी फौजी भी बैठे हैं, हम सारे सारे समझ पाते हैं कि कितना बॉर्डर के ऊपर जाने के अंदर मरने के लिए किसी का मन नहीं उतार होता। कोई ये कितना भी बहादुर हो फिर भी उसको थोड़ा बहुत मन के अंदर हिचक रहती है। फिर भी अपने डरों के ऊपर काबू करने के बाद हम सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ी करके दुश्मन के साथ दुआ लगते हैं, और उसके अंदर लेफ्टिनेंट नवाज सिंह की तरह बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। उन सब शहीदों को एक बार हम सब की तरफ से बहुत बहुत नमन। कार्यक्रम में आपको बताया गया था, और जैसा कि हम सारे के सारे देख रहे हैं कि अपने ही गांव मिर्जापुर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको एक सम्मान करने का दिवस है, तो मैं उसी निमित्त कार्यक्रम को आगे बढ़ने के लिए अपनी जगह लूंगा। अंत में एक बात बस मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और पूर्व में पिछली सरकार में मेरे पास 3.5 साल के लिए ओएसडी का दायित्व था, और लगभग नहीं, और मेरे से कोई गलती या और कोई हो जाए तो भाई बड़े हो आप सारे के सारे, बड़े नाते छोटे को मेरे को माफ कर देना। इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी जितने लोग यहाँ आए हैं आप सभी का धन्यवाद है कि इस प्रोग्राम में अपना योगदान आपका भी रहा है, आपकी सहभागिता है इस प्रोग्राम में। और जो भी गुजर गए हैं अपने स्थान पे रहें, वहीं मुख्य अतिथि महोदय पहुंचेंगे, कृपा बैठे बुजुर्ग 10 मिनट के लिए और बैठे। मेरा निवेदन है बुजुर्गों से कि और बैठे, सिर्फ 10 मिनट और लगेंगे, कृपा अपने स्थान पर बैठे। हमारे आप ठीक है, ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा और कर लें, बस 10 मिनट और है इस प्रोग्राम में बैठे। फिर आपको वैसे तो समिति ने वेलफेयर समिति ने व्यवस्था की है, चाय और प्रसाद की बड़ा व्यवस्था की है कमेटी ने, फिर भी बुढ़ापे में कष्ट हो जाता है। और ये लाइन आपकी तकलीफ का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। इस तरफ भी मुख्य अतिथि महोदय आपका धन्यवाद है, आपने बुजुर्गों की समस्या को समझते हुए उनके स्थान पर जाकर ये स्मृति चिन्ह ये मान सम्मान का पंथ है। ये मान सम्मान पैसों का नहीं होता, ये सदर